तो हाँ गाइस, आ गए हम फिर से बहुत ही कमाल का फोर एडिटिंग के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन हैप्पी न्यू ईयर वाला फोटो कैसे एडिट किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो 2023 जो कि मॉडल के बैकग्राउंड में हमने किस तरह से इतना अच्छा एडजस्ट किया है और बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हो। तो मेरे भाई, आप लोग को इस एडिट को सीखने और इस एडिट को करने में ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। तो यदि आप लोग इस एडिट को सीखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो कम्प्लीट देखे। और मैं बता दू, अगर वीडियो पसंद आए ना मेरे भाई, उसके बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाता है और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ही फोटो एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ पे एडिट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो फोटो को एडिट करनी हो, जैसे कि ये वाला फोटो को, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है भाई। तो इसको सिंपली ऐड करना है और ऐड करने के बाद देख सकते हो फोटो हमारा अभी मतलब कुछ इस टाइप से है। उसके बाद क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कटआउट करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको कटआउट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और कटआउट वाला ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर पर्सन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो बॉडी का जो होगा ना, ये पूरा रेड रेड सा ले लेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको डन कर देंगे, ठीक है। और डन करने के बाद देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कट के दिया है, मतलब उतना अच्छा नहीं देता है, फिर भी हम इसको सेव कर लेंगे, बाद में इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद सिंपली इस फोटो को सेव कर लेंगे गैलरी में, और गैलरी में सेव करने के बाद आप लोग को बैक आना है और इसको कर देना है डोंट सेव। आप लोग को बैक आना है और जिस बैकग्राउंड पे आप लोग को फोटो एडिट करनी है, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, इस फोटो को एडिट करने में जो बैकग्राउंड पीएनजी यूज किया हो, आप लोग को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा चीज़ का दे दिया हो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेंगे, उसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद ऐड फोटो पे, उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 2023 का पीएनजी एक ऐड करेंगे, जो कि इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ से इसको ऐड कर देंगे इस फोटो पर, तो यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद जूम करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और जूम करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना है, जैसे कि आप लोग ध्यान से देख लो, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है, ऊपर अंडो मतलब सॉरी लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक इसका डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये 2023 से दो दो आ जाएगा, ठीक है। तो एक पहले से रह गया और एक दूसरा भी आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, दूसरा वाला ले के यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रोटेट करेंगे, ठीक है। और इसका छाही बनाएंगे, मतलब साइडों से नीचे से देखिए आप। उसके बाद वर्टिकल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आप लोग को, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा ना, कि वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फोटो जो होगा ना उसको उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर इसका साइडोज यानी छाह बनाने में एकदम अच्छा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको रखना है इसको, जिसको वर्टिकल की है। उसके बाद ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ओवरले क्लिक कर देना है, ठीक है। ओवरले क्लिक कीजिएगा तो लगेगा, देख सकते हो आप लोग कि शीशा पे मतलब शैडोज छाई कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसको ओपासिटी को थोड़ा कम कर देंगे ताकि थोड़ा कम पता चले, तो इसको हम ओपासिटी कर देते हैं 55 तक, ठीक है। तो 55 के राउंड कर देते हैं। उसके बाद सिंपली इसको क्या करना है, डन कर देना है आप लोग को। और डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अभी तो कुछ इस तरह से 2023 मतलब कितना अच्छा लग रहा है और बैकग्राउंड पीएनजी कितना मस्त हो चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो मॉडल होगा हमारा, जैसे कि ये फ़ोटो जिसको मैंने कटआउट किया था वहाँ पे, सिंपली इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ से ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे इस फोटो पर, ठीक है। और कुछ इस तरह से आप लोग को जूम कर लेना है फ़ोटो को, और जूम करने के बाद आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पे एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। आप लोग को ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी होगी ये करते टाइम, तो इसको हम थोड़ा अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करने के बाद नीचे भी आपको इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और इसको पे क्लिक करने के बाद हार्डनेस को 100 कर देंगे और साइज को कुछ छोटा कर लेंगे। और मैं बता दूँ, कटआउट से बैकग्राउंड को जो कट किए थे तो यहाँ पर ख़राब मतलब कट के दिया था, उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे एकदम अच्छे तरह से, ठीक है भाई। तो आप लोग को ये कैसे करना है, आप लोग ध्यान से देखते रहे। जैसे कि यहाँ पर है ना, कुछ इस तरह से आप लोग को, जैसे कि वहाँ पर जो जो मतलब ख़राब कट के दिया है ना, उसको सिर्फ हम यहाँ से ठीक करेंगे, ठीक है भाई। तो वहाँ पे ख़राब कट के दिया था तो पता नहीं चला था ये कपड़ा, या फिर अच्छा नहीं लग रहा था वैसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं इसको भी हम थोड़ा कर लेता हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। तो इसको भी करने में थोड़ा टाइम लग सकती है, तो आप लोग ध्यान से करें और ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में एडजस्ट कर लेते हैं।
तो मेरे भाई बैकग्राउंड अच्छा से कट कर देने के बाद देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फोटो अब ओरिजिनल यानी रियल लग रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिंपली इसको डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से डन कर देंगे और डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, ऊपर लेयर वाला ऑप्शन है तो सिंपली जैसे पहले बताया था मैंने, तो यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन है। उसके बाद फिर से आपको इसको भी डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, और इसको भी डुप्लीकेट कर देंगे तो ये दो दो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको सेम प्रोसेस पहले की तरह करना है। यहाँ पे एक क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाके रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये फिर से उल्टा हो जाएगा, तो वर्टिकल पे क्लिक कर दिया है तो या फिर उल्टा साइड में होगा। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, जैसे कि पैर नीचे जैसे कि लगे कि शीशा पे चल रहा है तो उसको छा तो शैडोज तो आता ही है ना, तो उस तरह से लगेगा। ठीक है भाई, उसके बाद ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओवरले कर देंगे। ठीक है भाई, तो ओवरले पे रखने के बाद शैडोज अच्छा बनता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या कर देंगे, आप सिंपली इसको डन कर देंगे। ठीक है भाई, और डन करने के बाद देख सकते हो फोटो हमारा अभी कुछ इस तरह से है। उसके बाद अभी काफ़ी सारी चीज़ इसमें है जो ऐड करनी है, मैं आपको बताता हूँ एकदम धीरे धीरे, आप लोग ध्यान से देखते रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद अभी हम जो PNG ये मतलब ये बैलून वाला PNG ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये PNG है तो सिंपली इसको कुछ इस तरह से रख लेना है। वैसे आपकी इच्छा, आप जहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने फोटो के अकॉर्डिंग जहाँ पे अच्छा लगे। उसके बाद फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से डुप्लीकेट करना है। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद ये दो दो आ जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेट बन जाएगा उसका। उसके बाद कुछ इस साइड में भी एडजस्ट कर देना है, जैसे कि लगे कि 2023 है ना वो बैलून से उड़ के आया है या फिर बैलून से उड़ने वाले। ठीक है, तो इस तरह से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली इसको डन कर देंगे। ठीक है भाई, और डन करने के बाद देख सकते हो फोटो हमारा भी कुछ इस तरह से है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको ना हैप्पी न्यू ईयर ऐड करने वाले। ठीक है भाई, तो ये हैप्पी न्यू ईयर का भी लिंक मैं PNG डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली हैप्पी न्यू ईयर को आप लोग को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, वैसे आपके अकॉर्डिंग आप जहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो, मैं तो सिखा रहा हूँ आप लोग को मतलब कैसे एडिट करनी है। उसके बाद फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और PNG ऐड करेंगे, जो कि ये दिवाली में फुलझड़ी टाइप का नहीं होता उसको ऐड करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको रख लिए। उसके बाद इसका ब्लैक मतलब जो है ना उसको हटाएंगे, तो सिंपली यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, इसको स्किन और स्किन करने के बाद देख सकते हो जो ब्लैक था इसमें वो हट गया। ठीक है, इस फोटो में जो ब्लैक था और सिर्फ लाइट आ गया है। हाँ, तो इसको हम कुछ इस तरह से इस कोने में रख देते हैं, आप लोग भी रख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से करने के बाद कितना अच्छा फोटो लग रहा है हमारा। उसके बाद सिंपली डन करना है और मेरे भाई डन करने के बाद देख सकते हो फोटो हमारा कुछ इस तरह से कितना अच्छा एडिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा प्लस माइनस कर लेंगे, जो अपने फोटो में कम या फिर ज़्यादा लगे उसको। ठीक है, तो ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा ले, कॉन्ट्रेस्ट को भी थोड़ा, क्लियरिटी को भी थोड़ा ले लेते हैं प्लस 5%। उसके बाद यहाँ पे आता है हाईलाइट, तो हाईलाइट को भी हम थोड़ा ले लिए हैं जैसे कि -4। उसके बाद शैडोज कितना पे अच्छा लगता है तो +6 कर लिए इसको। उसके बाद सिंपली आप लोग को डन कर देना है। ठीक है भाई, और डन करने के बाद देख सकते हो फाइनली हमारा फोटो हो चुका है एडिट कंप्लीट। और देख सकते हो बिफोर बैकग्राउंड और आफ्टर फोटो, मतलब कितना अच्छा फोटो एडिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ सेव के ऑप्शन से इस फोटो को गैलरी में सेव कर लेंगे। तो फाइनली फोटो एडिट हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो इस तरह का फोटो एडिट करना कितना शॉर्टकट और कितना आसान तरीका था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में ना आई होगी तो सिंपली मुझे कमेंट में पूछे, मैं आप लोग को वहाँ से रिप्लाई करके बता दूंगा। और मैं बता दूँ, अगर आप लोग को वीडियो जरा सा भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार फोटो एडिट के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त।